आज का जो प्रोटेस्ट है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल के खिलाफ में है। पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल हम सब जानते हैं एक ऐसा काला कानून है जो विद्यार्थियों के हित में नहीं है, जो यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को खत्म करता है। जहां एक और सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रही है और कॉलेजेस को स्वायत्तता दे रही है, वहीं ये पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल जो कि एनईपी का विरोध है वो हमारे एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में लेके आ रहे हैं और जो है यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता भी खत्म कर रहे हैं। आपने यूनिवर्सिटी से रिसर्च खत्म कर दी, आपने यूनिवर्सिटी में जो यूजीसी के मानकों को मानने से मना करके एक काला कानून आप ले आए हैं। और मैं आप सबको बता दूं, यही काला कानून, यही पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल जब ओडिशा में आता है तो तथाकथित भाजपा सरकार ओडिशा में विद्यार्थियों के साथ इस बिल के विरोध में खड़ी होती है, परंतु जब यही काला कानून एलजी मनोज सिन्हा द्वारा जम्मू कश्मीर में लेके आया जाता है, तब यहाँ की भाजपा सरकार तथाकथित विद्यार्थियों के हितेशी जो है वो इस बिल में अपनी चुप्पी साधते हैं, वो इस बिल के विरोध में एक शब्द नहीं बोलते। ऐसा दोगलापन जो दोगलापन भाजपा ने दिखाया है उसका विरोध विद्यार्थी परिषद करती है।